चूँकि जब गंगा नदी बढ़ती है तो जिला प्रशासन सबसे पहले नाव के संचालन पर रोक लगाता है। पूरा नाव यहाँ खड़ा कर दिया गया है, कोई भी नाव का संचालन नहीं हो रहा है। कुछ लोग बढ़ती गंगा में पूरा फायदा लेना चाहते हैं, रील भी बना रहे हैं। आप कैसे देख रही हैं? बस माता गंगा जी बढ़ी थी, उसी में हम लोग इंजॉय मस्ती करने आए थे और कुछ लाभ भी ऐसे इंजॉय मस्ती भी हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा पल है, ये बहुत कम समय मिलता है? पल तो बहुत अच्छा है, पर इसमें कितने लोगों की बर्बादियाँ भी तो हैं। तो ऐसे पल जैसे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं ना, जो गांव के पास हैं, जो नदी के करीब है, वो लोग इंजॉय मस्ती नहीं कर पा रहे। वो तो बस खाली एक सियासत में है ना कि लोग को स्थान कहाँ मिले वहाँ अपना उपस्थित करें। ये भी लोगों को मालूम है कि कुछ लोग बढ़ती गंगा से कितने चिंतित हैं, सियासत में है, तनाव में है, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोग इस बढ़ी गंगा का भरपूर आनंद भी लेते नजर आ रहे हैं। आप हरसिंहपुर के हैं, क्या स्थिति है हरसिंहपुर में? हरसिंहपुर में सर इस समय गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है तेजी से, और वहाँ पे सभी किसान चिंतित हैं। कोहरा का फसल, लौकी का फसल और जो भी फसलें हैं वो नष्ट होने के कगार पर हैं, क्योंकि उसमें क्या है पानी से जो है सारी फसलें नष्ट हो जा रही हैं। ये बताइए आपको कितना फसल, आपके पास कितना खेती है? हमारे पास जो है 5 बीघा था, लेकिन सब पानी में डूब करके क्षति के कगार पे है। हम लोग सिर पे हाथ धर के बैठे हैं कि आगे जो मटर का फसल होगा उसकी बुआई और उसकी जुताई कहाँ से आएगा। अगर 1 मीटर पानी और बढ़ जाता है तो क्या स्थिति होगी आपके क्षेत्र? तब तो हम लोगों के गांव में जो है भय का स्थिति है, और उसके बाद जो लैट्रिन करने के लिए उसके लिए भी जनता सोचेगी, खाने के लिए पशुओं के लिए चारा भी बेहाल हो जाएंगे पशु। तो क्या चाहते हैं आप जिला? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा, अपने माननीय विधायक जी द्वारा वहाँ पर आकर के हम लोगों को आश्वासन दे, और सरकारी लाभ जो हो सके वो हमारे पूरे गांव को दे। बिजली वगैरह आ रहा है? बिजली अभी तक तो आ रहा है, लेकिन ऐसे स्तर रहेगा तो बिजली और पानी दोनों का संकट पूरे गांव को, हम लोगों को झेलना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रमोद कुमार यादव। दरअसल हर किसी की ये जानने की इस वक्त इच्छा प्रतीत हो रही है कि गंगा नदी का जल स्तर कहाँ है, कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं, या यहीं रुक जाएगा, या वर्तमान परिवेश में क्या स्थिति है। तो आपको अवगत करा दें कि हम इस वक्त जनपद मिर्जापुर के नार घाट पर मौजूद हैं, और यहाँ पर वर्तमान स्थिति ये है कि पिछले 48 घंटे से गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि पिछले 48 घंटे में 9 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब स्पीड बढ़ा, तो दूसरे दिन 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दर्ज किया गया, लेकिन आज के वक्त 0.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा नदी में बढ़त दर्ज है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये बढ़त रुकेगा, या प्रयागराज में क्या स्थिति है, या कानपुर में क्या स्थिति है। लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर कानपुर में या प्रयागराज में गंगा नदी के जल स्तर में तेज़ी से वृद्धि हो रही है तो निस्संदेह यहाँ भी और वृद्धि की संभावना हो सकती है, लेकिन कानपुर और प्रयागराज तक का जो वर्तमान स्थिति है वो हर जगह 0.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही गंगा नदी में बढ़त दर्ज किया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त पानी, अपार पानी, गंगा माँ समुद्र का रूप धारण कर चुकी है ऐसा प्रतीत होता है। लोग ये भी पूछते हैं कि आखिर इतना पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो इसके बारे में भी बता दें कि चूंकि गंगा नदी की जो दूरी है वो ज़बरदस्त है, संपूर्ण भारतवर्ष में बड़ी नदियों में माँ गंगा नदी का दायरा कहा जाता है, चूँकि यमुना नदी भी प्रयागराज में आके मिल जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ज़बरदस्त बरसात हो रहा है वो सब पानी का असर आपको यहाँ पूरे पूर्वांचल में दिखाई देगा। जब मिर्जापुर में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता है तो आगे बलिया हो, गाजीपुर हो, वाराणसी हो, सभी की जो है निगाहें इस बात पर टिकी होती हैं कि एक्चुअल में मिर्जापुर में या विंध्याचल में गंगा नदी का जल स्तर कितना है। हालांकि हर वर्ष गंगा नदी बढ़ती है, 1978 में सर्वाधिक जो 80 मीटर से ज़्यादा गंगा नदी का दायरा दर्ज किया गया था, वो इस वक्त फ़िलहाल जो वार्निंग लेवल और डेंजर लेवल दो निशान पर सभी की निगाहें हैं, चिन्हित की गई है। जो डेंजर लेवल है वो 77.774 मीटर है, और जो वार्निंग लेवल है वो 76.774 मीटर निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में जो चेतावनी बिंदु है, जो वार्निंग लेवल है, उससे करीब 30 सेंटीमीटर मात्र दूर इस वक्त गंगा नदी बह रही है। हालांकि जब ख़तरनाक लेवल टच कर जाता है, यानी डेंजर लेवल और जो वार्निंग लेवल है उसके बीच 1 मीटर की दूरी है, जब वो डेंजर लेवल में गंगा नदी बहने लगती है तो कई इलाके जो है वो बंद हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, कई रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में
जो शहरी क्षेत्र से गंगा नदी जब होके गुजरती हैं तो शहर में इसका प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि तमाम शहर के लोग माँ गंगा के बड़े रूप का दर्शन करते हैं। लेकिन वहीं जब ग्रामीण क्षेत्र में गंगा नदी जब बहती हैं तो वहाँ कई फसलें नुकसान जरूर करती हैं। इस वक्त फसल डूब चुका है, कई तटवर्ती इलाके जो गंगा नदी के तट पर हैं उनका फसल डूब चुका है, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो बजरी हो, चाहे जो है काफ़ी फसल बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं। उसके अलावा जो आसपास पशु बंधे होते हैं उनके लिए चारे की भारी दिक्कत होती है। स्थानीय स्तर पर कहा जाए तो जिनके घरों के आसपास, जिनके खेतों में या जिनके घरों में पानी घुस चुका है, कई ऐसे ब्लॉक हैं, चाहे वो कोन ब्लॉक हो, चाहे छानवे ब्लॉक हो, चाहे चुनार का एरिया हो, सीखड़ हो, कछमा हो, ये बुरी तरीके से प्रभावित होने वाले इलाके हैं। तो कहीं कुछ स्थानों पर पीने का पानी, कुछ स्थानों पर विषैले जीव जंतु का खतरा, तो कुछ स्थानों पर बिजली की आपूर्ति कैसे निर्बाध जारी रखा जाए इसकी चेतावनी जिला प्रशासन को रहती है। लेकिन वार्निंग लेवल को टच करते ही जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ चुका है, कई बार चौकियां स्थापित की जा चुकी हैं और रात रात भर एमसीडी के कर्मचारी इस बात पर भी निगरानी रखे हुए हैं कि कहां से पानी उनको लिफ्ट करना है, कहां पानी छोड़ना है। कई बांध हैं जिले के अंदर मिर्जापुर में। फिलहाल वर्तमान स्थिति यही है कि सब यही जानना चाहते हैं कि बाढ़ की बढ़ती स्थिति क्या है। तो वर्तमान दौर में खतरे के निशान से 1 मीटर पीछे गंगा नदी बह रही है, 0.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गंगा नदी बढ़ती दिखाई दे रही है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।